हम कह रहे हैं ला तुम्हारे ने हम ऐसी दान पेटी की चाबी में, दलित को वहां जाना नहीं चाहिए, हमारा कोई मंदिर से लेना देना नहीं है किसी भी हालत में, दलित को वहां नहीं जाना चाहिए। तो मंदिर बनाने के पक्ष में है कि नहीं? क्यों मैं क्यों मंदिर में बनाने के पक्ष में? मैं तो कह रहा हूँ इस देश में जितने मंदिर है सबको तोड़ दिया जाए, मैं तो कह रहा हूँ इस बात को। क्या मिलता है मंदिरों से? मंदिरों की बजाय इस देश में स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, लाइब्रेरी बनाइए, लोगों की शिक्षा मिलेगी, ये देश दुनिया में आगे पहुंचाएगा। मंदिर बनाने से अंधविश्वास फैलता है, गंदगी फैलती है, लोगों के बीच घृणा फैलती है और कुछ नहीं फैलता। आप बताइए एक मंदिर ने किसी ने धर्म का काम किया हो, किसी ने लोगों में शिक्षा का इस तरह से कोई काम किया हो? आप बताइए ना। मस्जिद के लिए भी ऐसे नहीं। मस्जिद वाले मस्जिद का जवाब दे। नहीं, मस्जिद के लिए भी ऐसा ही कहेंगे कि कौन वो भी नहीं रहना चाहिए। मस्जिद में क्या होता है? मस्जिद में केवल वो जाके अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वो और कुछ नहीं करते। मंदिर में मस्जिद में जाके और कुछ नहीं करते, वो भी नहीं रहना चाहिए। कहाँ नहीं है? उनकी इबादत की जगह है, संविधान ने उनको अधिकार दिया है, वो रहना चाहिए। क्यों, कौन मना कर रहा? मंदिर भी तो और रखो। तो आप मेरे से क्यों कह सकते हैं कि आप दलित को मंदिर में ना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ दलित को मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। इस देश के किसी भी गरीब समझदार व्यक्ति को मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उसको जाना चाहिए, स्कूलों में जाना चाहिए, कॉलेजों में जाना चाहिए, लाइब्रेरी में जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ज्ञान मिलेगा तो उजाला फैलेगा, अगर ज्ञान नहीं मिलेगा इस देश में कुछ नहीं होगा। जिस तरह से शिक्षा की हालत बना दी है इन्होंने, इस सरकार ने, आरएसएस ने, इस देश का बेड़ा गर्क होने वाला। नई शिक्षा नीति डर है। किस बात का डर है? गिरफ्तारी हो रही है, 200 लोगों की गिरफ्तारी हुई। मैं कह रहा हूँ 2000 लोगों की भी गिरफ्तारी हो, 2 लाख लोगों की भी गिरफ्तारी हो तो क्या फर्क पड़ता है? इंसाफ के लिए क्या कुर्बानियां दी नहीं है? ये दी नहीं जानी चाहिए? इस डरना किस बात? 20 साल से पूरे देश के लोगों को चैलेंज दे रहा हूँ, चैलेंज। मेरा कहना यह है, राम इस देश में कभी पैदा हुआ ही नहीं। कोई भी देश का इतिहासकार, विश्व हिंदू प्रसिद्ध हो, आरएसएस के भागवत हो, भागवत के और पिताजी हो, या कोई मनीषी हो, दार्शनिक हो, इतिहासकार हो, संत हो, साधु हो, शंकराचार्य हो, कोई भी यह सिद्ध करे कि राम यहां पैदा हुआ। मैं कहता हूं राम कभी यहां पैदा हुआ ही नहीं। ये जबरदस्ती ये कह रहे हैं कि राम यहाँ पैदा हुआ। घर में माँ बाप बड़े हैं, उनको कोई पूछता नहीं है, उन्हीं को राम मानो ना, उन्हीं को सीता मानो ना, किसको सब फुर्सत है बताइए? राम राम एक हवा बह रही है कि आप संभवतः विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अरे नहीं, विधानसभा लोग दुनिया बोलने दीजिए, मुझे चुनाव से मतलब नहीं। मैं चाहता हूँ कि पब्लिक जागरूक हो जाए, पब्लिक जाग जाए, खेसारी को चुनाव लड़ने और नहीं लड़ने से मेरा रोजी रोटी ऐसा नहीं कि बंद हो जाने वाला। राम मंदिर से क्या होगा साहब? तो हमारे जब धंधे खत्म हो गए हैं, जब हमारे खेत खाली हो, हम खेती हमारी खत्म हो गई है, जब हमारे गांव खाली हो रहे हैं, तो ये मुद्दे है ना। धर्म के लिए थोड़ी बैठी है सरकार। जगह जगह लिंचिंग हो रहा है, सुएज में कितने मौतें हो रही हैं, सुएज में। इस देश का नागरिक गटर में दूसरे के तो 5 एकड़ बोल रही है, किस आधार पर बोल रही है? तो ये कहां न्याय है? तो हमको तो लगता है कि सरकारी दबाव में आकर ये फैसला हुआ है। फैसले से खुश है या नहीं है? फैसले से खुश है या नहीं है? खुश भी हैं और नहीं भी हैं। राम मंदिर बनने से क्या अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, चाइल्ड मैलन्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा, फार्मर्स डिस्ट्रेस खत्म हो जाएगा? राम ये सब इलेक्शन के लिए, क्योंकि चुनाव आ रहा है इसीलिए चिल्ला रहे हैं। मंदिर और अगर मंदिर था भी वहाँ पर, और अगर उस वक्त आज ही इतने सालों पहले वहाँ मस्जिद बन गई थी, तो फिर से उसे तोड़ के आप क्यों बनाएंगे मंदिर? और अगर आपको बनाना ही था, खतरे में नहीं है ये देश, खतरे में है ये देश, खतरे में है मोदी जी, अमित शाह जैसे लोगों से, प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों से, ये देश खतरे में है। आज जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो बाबरी मस्जिद पर फैसला सुनाया है वो बहुत ही निंदनीय और भ्रष्ट है। जो राम का न कोई प्रमाण है, न कोई साक्ष्य है, न कोई इतिहास है, उस राम पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने फैसला सुनाया है। जानते हैं ये सब दबाव में किया है सुप्रीम कोर्ट के जज ने। मैं उसे कहना चाहूंगी कि ये मंदिर के चक्कर में आप लोगों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये मंदिर आपको बंधुआ मजदूर बनाएगी और आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनाएगी। और मुस्लिम भाइयों, आप लोग कान खोल करके सुन लीजिए, आज बाबरी मस्जिद की बारी है और अगला आगरा के ताजमहल की बारी होगी, ये लिख करके रख लीजिए आप लोग, क्योंकि यहाँ पे एक ही जाति विशेष का कब्जा है हिंदुस्तान। ये दो लोग कौन हैं
जिन्होंने 92 में ढांचा तोड़ा था, बाबरी मस्जिद तोड़ी थी, और 1949 की रात चोरी छुपे वहां पर मूर्ति रखकर आए थे। तो अदालत ने कहा कि ये दो काम इलीगल हैं। तो इससे जुड़े जो भी लोग हैं उनको इस फैसले से बाहर किया है और कहा है कि ये अपराधी की कतार में हैं। जो देखो जो मंदिर खड़ा कर देता है। कभी सोचा आपने किसको बुला रहे हो आप, हैं? कभी विचार किया, कभी दिमाग लगाया कि मैंने मंदिर बना दिया? ध्यान रखना कि जोश तो आ गया। भगवान है ही नहीं, चैलेंज देता हूं। मेरा चैलेंज है भारत के सभी साधु संन्यासियों को, कोई ऐसा है जो ईश्वर का साक्षात दर्शन कराए? क्या कोई ऐसा आदमी है जो भगवान से सीधा दर्शन करा दे? आप ये कहे कि इस देश के अंदर भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, अरे बनाओ, कौन मना कर रहा है तुमसे जो है? लेकिन याद रखो, कल्पना की धरा के ऊपर महल खड़े नहीं होते हैं, बालू के ढेर पर बिल्डिंग खड़ी नहीं होती है, शीशे के मकान में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। अगर जितने भी मान लीजिए ईश्वर के मानने वाले लोग हैं, आस्थावान लोग हैं, तो मंदिरों में से मुकुट चोरी क्यों हो जाते हैं, जेवर चोरी क्यों हो जाते हैं, खजाने क्यों चोरी हो जाते हैं? क्या वो पुजारी जो बैठा हुआ है वो भगवान को नहीं मानता है? अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं ये कहूंगा, जो ईश्वर विश्वास करने वाला है सही माने में वो ईश्वरवाद की दुहाई दे रहा है, लेकिन पक्का नास्तिक है, क्योंकि वो जानता है भगवान है ही नहीं, इसलिए वो सारी बदवा